गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.2। क्या कहता है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल, एक कंप्यूटर टेबल है उसके क्या कर दिए, प्राइस रिडक्शन कर दी प्राइस में, कितनी 20% की, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई बेटा, 3050 रुपीज़ हो गई। What was original price of computer table? तो कहता है कि जो computer table है उसका जो original price है वो कितना होगा, ठीक है बेटा, तो देखेंगे अब reduction कितनी हुई, 20% reduction होने के बाद कितना रह गया price उसका, price of table in परसेंटेज में कितना रह गया बेटा, मैंने आपको बताया था कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 में से 20 तो कितना हो गया, डिडक्ट कर दिया या रिड्यूस कर दिया, तो ठीक है अब हमारे पास कितना रह गया बेटा, 100 - 20% 80%, कितना रह गया हमारे पास 80% आफ्टर रिडक्शन प्राइस ऑफ टेबल, कितना है हमारे पास, 3050 रुपीज़ है, ठीक है बेटा। लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमने क्या मान लिया बेटा, एक्स रुपये मान लिया, जिसका हमें नहीं पता होता उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो हमने वो कितना मान लिया बेटा, एक्स मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस है वो कितना है, 80% है किसका, ऑफ ओरिजिनल प्राइस का, किसका, ओरिजिनल प्राइस का, ठीक है बेटा, कितना है और 3050 रुपीज़ है, कितना है 3050 रुपीज़ है, 80% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ओरिजिनल प्राइस कितना है, एक्स है, इक्वल टू रुपीज़ 3050, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो 80/100 को आने के जाएंगे दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3050/80, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, और जो डिवाइड में था वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है बेटा, तो 0 से 0 क्या होगी, कैंसिल होगी, अब किससे कैंसिल कर दें, 4 से कर दें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है बेटा, क्या आ गया हमारे पास, 25 + 125 = 75 + 76/2, ठीक है बेटा रुपीज़। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 0.25 = 10, तो हमारे पास कितना आया बेटा, जो प्राइस था ओरिजिनल प्राइस था वो कितना आया, 3812.50, कितना आया हमारे पास, 3812.50, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच, इट कॉस्ट इज 44,550 रुपीज़, वाट वॉज द ओरिजिनल प्राइज ऑफ रिस्ट वॉच, कहता है एक कलाई घड़ी है उसका जो प्राइस है इंक्रीज हो गया कितना, 25%, और जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, अब उसकी 4,550 रुपीज़ हो गई, तो कहता है कि ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करो किसका, वॉच का, ठीक है बेटा। इसी तरह से इसको करेंगे, इंक्रीज प्राइस कितना है, 25%, ठीक है बेटा, आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस इन परसेंटेज, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, कोई भी चीज़ कितना होती है वो 100% होती है, लेकिन अब वो उसका कितना ज़्यादा हो गया, 25% ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 100 + 25% कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है। जो आफ्टर इंक्रीजिंग है वो प्राइस कितना है रिस्ट वॉच का, 4,550 रुपीज़ है, ठीक है बेटा। तो लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा, 125% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, रुपीज़
4,550 rupees है, ठीक है बेटा। जो भी हमारे पास प्राइस होता है ना बेटा, या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, वो किस पे होता है? ओरिजिनल प्राइस पे होता है। वो किस पे होता है? ओरिजिनल प्राइस पे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, 125% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 4,550 rupees। 125% मीन्स अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4,550 rupees, ठीक है बेटा। तो 25 से कैंसिल किया, 25 5 जा 125 25 4 जा 100, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। तो रुपीज़ 4,550 इंटू 5 किस में है? मल्टीप्लाई में। तो किस में जाएगा? डिवाइड में। 4 किस में है? डिवाइड में। तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 9 जा 45 5 1 जा 5 0 एज इट इज। तो क्या आ गया, 4 0 0 4 1 जा 4 4 9 जा 36 rupees। जो ओरिजिनल प्राइस एवरेस्ट वॉच का वो कितना था बेटा? 3,640 rupees। कितना था? 3,640 rupees, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ध्यान से देखनी है बेटा। क्या कहता है, ड्यू टू एन बाई वाट परसेंट बी इज वेट मोर देन ऑफ ए। कहता है कि जो बी का वेट है वो कितना परसेंट ज़्यादा है ए के वेट से, कितना परसेंट ज़्यादा है ए के वेट से। इफ़ एज वेट इज 25 लेस देन दैट ऑफ बी। कहता है अगर ए का वेट है वो कितना है, 25 लेस है किससे, बी के वेट से, ठीक है बेटा। तो जिसका हमें वेट नहीं पता उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, 100 मान लेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100, या x भी मान सकते हैं, लेकिन x से थोड़ा सा टफ पड़ेगा और 100 से क्या होगा, थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है बेटा। तो इजी वाला करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो अब ए का वेट तो 25 लेस है, तो हम किसका मानेंगे, बी का मानेंगे। तो बी इज वेट कितना हो गया, 100 kg, ठीक है बेटा। अब एज वेट क्या कहता है, 25% लेस है किसके, बी से। बी का कितना है, 100 kg। 100 kg में से कितना माइनस कर दे, 25%। 25% किसका, ऑफ बी का। बी का कितना था, 100 kg था। बी का कितना था, 100 kg था, ठीक है बेटा। तो हमारे पास कितना आ गया, 100 kg माइनस 25% मीन्स अपॉन 100 इंटू 100 kg। तो 100 kg माइनस 25 kg कितना आ गया बेटा, 75 kg। अब बी का वेट तो कितना है, 100 kg है। ए का वेट कितना है, 75 kg है। हमें बताना है क्या है कि बी का वेट कितना ज़्यादा है ए के वेट से, ठीक है बेटा। अब ए के वेट से हमें ज़्यादा बताना है बेटा, ठीक है। तो बीज वेट मोर देन ए, कितना मोर देन है बेटा, 100 माइनस 75 25 kg, कितना ज़्यादा है, 25 kg ज़्यादा है। लेकिन हमें तो परसेंट में बताना है, हमें तो किस में बताना है, परसेंट में। तो क्या हो जाएगा बेटा, बीज वेट मोर देन ए इन परसेंट, कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है, 25 kg ज़्यादा है किससे, ए के वेट से, किससे, ए के वेट से। 25 kg अपॉन ए का वेट कितना है, अपॉन में क्या आएगा, ए का वेट 75 kg इंटू 100%, ठीक है बेटा। अब किस में आएगा आंसर, परसेंट में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आंसर है बेटा, देखेंगे। 25 kg से kg से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25 25 3 जा 75
500 बाय 3%, कितना आ गया 100 बाय 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 एंड 1 बाय 3%, कितना ज़्यादा है उसका बी का वेट 33 एंड 1 बाय 3% ज़्यादा है किससे, ए के वेट से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ऑफ ए, जो कहता है क्या कहता है कि जो बी का बी की इनकम है वो कितनी लेस है किससे, ए से। अब हमें बतानी है कि बी की कितनी लेस है ए से। ठीक है, अगर एज इनकम इज़ 30% मोर देन बी, बी की इनकम से कितनी ज़्यादा है, ए की इनकम 30% ज़्यादा है किससे, बी से, तो किसकी लेट करेंगे, बी की लेट करेंगे बेटा। ठीक है, तो लेट बीज इनकम ₹100, हमने कितना मान लिया बेटा ₹100 है उसकी। ठीक है, अब एज इनकम कितनी होगी बी की से, कितनी परसेंट ज़्यादा है 30%, तो बी की तो ये नहीं, तो बी जो कितनी है 100, बी के कितने हैं 100, लेकिन उससे भी ज़्यादा है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 30% ऑफ बीज इनकम। ठीक है बेटा, तो ₹100 प्लस 30% का मतलब अपोन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बीज इनकम कितनी है 100, 100 से 100 क्या होगी कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास ₹130। बी की इनकम जब 100 रुपये है तो ए की कितनी है 130 रुपये है। ठीक है, तो ए की कितनी आ गई, कितनी ज़्यादा है, या फिर बी की कितनी कम है, बी की कितनी कम है। ठीक है बेटा, तो बीज इनकम लेस देन एज इनकम कितनी ज़्यादा, कितनी लेस है बेटा 130 माइनस 100 कितने आ गए ₹30, जो बी की इनकम हो कितनी है 30 रुपये से कम है। ठीक है बेटा, लेकिन हमें तो परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो बीज इनकम लेस देन एज इनकम इन परसेंटेज। ठीक है बेटा, कितनी कम है 30 रुपये, इससे कम है ए से, ए के कितने हैं 130, किसमें फाइंड आउट करना है परसेंट में, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसल, 300 बाय 13%, 300 बाय 13%, इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 13 2 जा 26 रिमाइंडर 4 4 एंड 0 40, 13 3 जा 39 एंड 1 बाय 13%, 23 एंड 1 बाय 13% इनकम जो है उसकी बी की क्या है लेस है किससे, ए से। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5। ठीक है बेटा, इस बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, बाई व्हाट परसेंट ए पर्सन मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर इफ प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है बेटा, क्या कहता है कि कोई आदमी है वो क्या करता है अपने राइस की कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करे, अपने राइस की कंजम्पशन को कितनी परसेंट कम करे कि उसका जो खर्चा है वो क्या हो एक्सटेंड ना हो, मींस इंक्रीज ना हो, मींस बढ़े ना, जो खर्चा हो सेम रहे। कब, जब राइस का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया है बेटा 20% इंक्रीज हो गया है। ठीक है बेटा, जैसे कोई पहले चीज़ आती थी 100 रुपये की, ठीक है बेटा, अब आ रही है 120 की। ठीक है बेटा, लेकिन रुपये आपके पास 100 ही हैं, तो अब कुछ ना कुछ वो क्या होगी आपको क्वांटिटी में कम मिलेगी, है ना बेटा। अगर आपको 100 रुपये के 100 केजी चावल मिल रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको 100 रुपये
अब उमदा भाव क्या हो गया, 120 रुपये हो गया। तो अब कुछ ना कुछ उसको क्या मिलेंगे, कम चावल मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब ये देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज, लेट कंजम्पशन ऑफ राइस क्या हो जाएगी बेटा, हंड्रेड के जी। ठीक है बेटा, हमने दोनों ही चीज़ किस में मान ली बेटा, 100 में मान ली, क्योंकि एक्स का से मानेंगे तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, 100 से मानने के करेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा जो प्राइस था वो कितना था, 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ पर केजी था, और जो कंजम्पशन थी वो कितनी है, 100 केजी है। तो टोटल जो रुपीज़ है, टोटल कॉस्ट है या टोटल जो खर्च है उसका, वो कितना आ जाएगा बेटा, टोटल टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा, 100 × 100 कितना हो गया, 10,000 रुपीज़, कितना हो गया, 10,000 रुपीज़। अब हमारे पास खर्च करने के लिए तो 10,000 रुपीज़ हैं। अब हमें देखना है कि चावल कितने आएंगे इसके, कितने चावल आएंगे। ठीक है बेटा, पहले तो कितने आते थे, 100 केजी आते थे, लेकिन अब कितना इंक्रीज हो गया प्राइस, 20% इंक्रीज हो गया है। तो आप देखेंगे कि कितना कितने चावल आएंगे। ठीक है बेटा, तो अब तो आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस, जो इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस है किसका, राइस का, वो कितना हो गया, पहले कितना था, 100 था। ठीक है बेटा, अब 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो प्लस 20% ऑफ रुपीज 100। ठीक है बेटा, तो 100 प्लस 20% अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई रुपीज 100, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 100 प्लस 20 कितना आ गया, 120 आ गया, कितने रुपये आ गए, 120। अब जो राइस की कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, 120 पर केजी, पर पहले कितनी थी, 100 रुपीज़ पर केजी थी, अब कितनी हो गई, 120 रुपीज़ पर केजी हो गई। ठीक है बेटा, लेकिन जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास, 10,000 है, हमारे पास टोटल रुपये कितने हैं, 10,000 है। अब 10,000 से देखें ये कितने चावल आएंगे, एक किलो चावल का क्या रेट है बेटा, 120 रुपीज़ है। ठीक है, तो राइस वेट ऑफ राइस टोटल रुपए कितने हैं, 10,000 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल होगी बेटा, 2 से कैंसिल कर दे, 2 6 या 4 से कर देते हैं, 4 3 12, 4 से ये किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से 4 करते हैं बेटा, 4 2 8 रिमाइंडर 220, 4 5 20 एंड 0 एज इट इज, तो क्या हो गया, 250/3 क्या हो गया, 250/3 के जी, रुपीज़ से रुपीज़ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो 250/3 के जी आ गया। ठीक है बेटा, लेकिन जो कंजम्पशन थी वो कितनी थी हमारी, या फिर जो पहले राइस आते थे वो कितने आते थे बेटा, 100 केजी, अब कितने आते हैं, 250/3 केजी। ठीक है बेटा, तो कितने कम हुए, तो रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ राइस 100 − 250/3 केजी, तो क्या हो गया बेटा, 3 LCM आ गया, 3 × 100, 300 − 250 क्या आ गया, 50/3 केजी, 50/3 केजी। ठीक है बेटा,
अब ये उसने क्या किया है, इतने चावल उसने कम लिए हैं अपने, ठीक है बेटा, लेकिन जो कंजम्पशन है वो हमें कितने किस में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है, कितने परसेंट पर्सन मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन, कितनी उसको कम करनी पड़ेगी कंजम्पशन परसेंटेज में, ठीक है बेटा। सो रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ राइस इन परसेंटेज, अब कितना कम किया उसने, 50/3 kg कम किया, इसमें से कम किया, पहले वो कितने लेता था 100 kg लेता था, अब उसने इतने कम लिए हैं, ठीक है बेटा, किसमें से 100 में से, तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, इनटू इनटू में परसेंटेज में चेंज करनी है तो इनटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 50/3% इज इक्वल टू 3 × 3 रिमाइंडर 2 20 3 × 6 = 18 2/3%। तो उसको राइस कितना कम लेना पड़ेगा, 16 × 2/3% कम लेना पड़ेगा, ओके बेटा। तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चन इन योर केयर नोटबुक, ओके, थैंक यू।